मॉर्निंग मशहूर, जैसा कि तुम लोग जानते हो कोरोना वायरस के चलते हम लोग का ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है और सेशन शुरू होने का टाइम हो गया है, जिसके चलते ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी घर पर बैठ के पढ़ाई करोगे। हम लोग भी यहाँ से प्रतिदिन वीडियो बना के तुम लोग को भेजेंगे और तुम लोग नियमित रूप से पढ़ाई करते रहोगे। आज हम वर्ग पंचम का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ है हम लोग का कविता, जिसका शीर्षक है देश। पाठ शुरू करने के पहले, कविता पढ़ाने के पहले, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग को शब्दार्थ से अवगत करा दूँ। बिना शब्दार्थ समझे कविता समझने में तुम लोग को परेशानी होगी, तो चलो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। पहला शब्द है हमारा आयोग। आयोग का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए किसी दल को, किसी समूह को संगठित किया जाता है, उसे हम आयोग कहते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी विशेष कार्य संपादन हेतु बनाया गया सरकारी संगठन। दूसरा शब्द है हमारा सीमा। सीमा कहते हैं घेराबंदी को, चारों तरफ से जो भी हम दीवार खींचते हैं, जो भी बाउंड्री करते हैं, उसे हम सीमा कहते हैं। तीसरा शब्द हमारा है इरादा। इरादा कहते हैं संकल्प को, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हम निश्चय करते हैं उसे हम संकल्प या इरादा कहते हैं। चौथा शब्द हमारा है परचम। परचम कहते हैं झंडा को, किसी भी देश की पहचान होता है वहाँ के झंडा, और उसे हम, चौथा शब्द है हमारा परचम। परचम का मतलब होता है झंडा, किसी भी देश का पहचान होता है वहाँ के झंडा, और उसे हम परचम भी कहते हैं। पांचवा शब्द हमारा है फौज। फौज कहते हैं सेना को, जो हमारे देश के लिए रक्षा में लगे रहते हैं उन्हें हम सेना कहते हैं। छठा शब्द हमारा है अरमान। अरमान कहते हैं इच्छा, अभिलाषा, जो भी हमारे भीतर दबी हुई इच्छाएं हैं उसे हम अरमान या अभिलाषा कहते हैं। और अंतिम और सातवां शब्द है हमारा दमकता। दमकता यानी चमचमाता। अब आप लोग सारे शब्दों को अपने कॉपी में नोट करेंगे और नोट करके इसे याद भी करेंगे। चलिए अब हम लोग कविता देखते हैं। देश शब्द आप लोग जानते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वह आपका देश होता है। और देश के विषय में ही एक छोटी सी कविता दी गई है, जो शेर जंग गर्ग के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में देश के विषय में बताया गया है कि देश किसे कहते हैं और देश का क्या मतलब हमारे लिए होता है, क्या महत्व होता है। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। देश का मतलब कुछ लोग, कुछ गांव या किसी नगर के नाम को ही देश नहीं कहते हैं। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश का मतलब संसद, सड़क, आयोग, इसे ही सिर्फ हम देश नहीं कह सकते हैं। देश नहीं होता है केवल और किसी दीवारों से घिरी हुई मकान को भी हम देश नहीं कह सकते हैं। देश नहीं क्लब में बैठे, देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते सदा हम मौज। देश नहीं होता बंदूक है, देश नहीं होता है फौज। देश न बंदूक है, न फौज है, और न देश वह क्लब है जहाँ पर बैठ के मौज मस्ती करते हैं। देश कहते किसे हैं उसके बारे में ये नहीं जानिए। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश। जहाँ इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश। देश का मतलब है कि जहाँ एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम के दीपक जल रहा हो उसे ही हम देश कहते हैं। जहाँ हम किसी भी कार्य करने के लिए इरादा कर लें और उसे बिना पूरा किए हुए हम स्थिर न हो उसे हम देश कहते हैं। देश उसे कहते हैं जिसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने को मर मिटने के लिए तैयार रखते हैं। हर दिल में अरमान में चलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। देश वह होता है जहाँ पर देश के लिए हर व्यक्ति के मन में कुछ अरमान हो, उसके लिए कुछ करने की जोश हो, जज्बा हो, उसे हम देश कहते हैं। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। देश वह होता है जहाँ पर अच्छे पुरुष, सज्जन का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति, अच्छे पुरुष जो सीना तान के चलते हैं, उन्हें अपने देश पर गुमान होता है। देश वही होता है जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिनका ऊंचा रखती है परचम। जहाँ पर धर्म जाति और भाषा के लिए हम एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, ये देश के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं, उसे हम देश कहते हैं। देश में
हम हर कदम देश को आगे बढ़ाने के लिए ही उठाते हैं। हर कदम हमारा देश के लिए होता है। हर कदम में देश की अच्छाई और भलाई छिपी रहती है। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हर सपना सत्य होगा। हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे और देश, और ऐसा करने के लिए हमें पहले खुद को पहचानना होगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। चलिए बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरी कविता को याद करेंगे और याद करके घर पर इसे पुनः अपने से लिखेंगे, और फिर हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। आप लोग कविता को याद करके लिखेंगे और साथ ही साथ शब्दार्थ भी आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।